Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश की अंतरिम यूनिस सरकार ने कार्यकाल खत्म होने से पहले भारत में अपने दो राजनयिकों को बर्खास्त कर दिया है और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि यूनिस सरकार भारत को लेकर अलग रुख आजमा रही है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कई जगहों पर हिंसा बनी हुई थी और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 5 अगस्त को जबरदस्त प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो भारत चली आई। बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन के खिलाफ शुरू हुई हिंसा अब भले ही थम गई है लेकिन तनाव बना हुआ है। पूर्व पीएम के देश छोड़ने के बाद उनके करीबियों पर सख्ती जारी है लेकिन इस बीच अंतरिम सरकार के आदेश के बाद भारत में सेवारत दो बांग्लादेशी राजनयिकों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग में प्रथम सचिव के रूप में सेवारत शबर महमूद को उनके अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इस तरह कोलकाता में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास में इसी पद सेवारत रंजन सेन को भी उनके कर्तव्य से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कई जगहों पर हिंसा हुई थी। बांग्लादेश की सरकार में कई एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हो गए हैं जो कि हमेशा भारत को लेकर उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। फिलहाल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं और अब उनकी वापसी को लेकर भी कई तरह की बातें चल रही हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की अध्यक्षता में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई है और यहाँ पर फिलहाल यही सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि हसीना के भारत आने के बावजूद यूनिस ने कहा कि उनकी सरकार सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना जारी रखेगा। इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिए अपने संदेश में यूनिस ने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण और पूरी तरह से कार्यात्मक लोकतंत्र में परिवर्तन के लिए लगातार समर्थन का आह्वान किया था। उन्होंने राजनयिकों को आश्वासन दिया था कि बांग्लादेश बहुपक्षवाद के समर्थक के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखेगा जिससे यूएन और उसकी विदेश नीति इस बार उसके केंद्र में रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि अब भारत को लेकर जो रुख बांग्लादेश धीरे धीरे अपना रहा है उसे लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि एक एंटी इंडिया आतंकी को भी बांग्लादेश की इस नई सरकार ने रिहा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।